नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती 2023-24 बैच के आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें इसके आवेदन कैसे करने हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो है इसमें ऑफलाइन है, लेकिन आपको जो है अपना ट्रेड अप्रेंटिस की जो प्रोफाइल उसका प्रिंटआउट भी निकाल के भेजना है। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के अलग अलग भर्ती, जिसमें कुल जो है 275 पद पे जो आवेदन हो रहे हैं। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज में, आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, आपको क्या करना है। अप्रेंटिसशिप पे जो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसका जो प्रोफाइल, यहाँ दोस्तों प्रोफाइल का जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि इसके साथ आपको अपना प्रोफाइल का जो प्रिंट आउट है वो आपको भेजना पड़ेगा। जब तक आप नहीं भेजेंगे तब तक आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपका अप्रेंटिसशिप पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आपको सिर्फ जो अपने प्रोफाइल का प्रिंट निकालना है। और आपको जो है इसमें जो कुछ और चीज़ें दी हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो लास्ट डेट है पहुँचने की वो 9 जनवरी 2023 है। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी तक आप कर सकते हो इसका ऑनलाइन आवेदन, आप 2 जनवरी तक कर सकते हैं। लेकिन आपको दोनों ही प्रोसेस को करना जरूरी है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि देखिए बोथ करना है, बोथ ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है आपको पोर्टल पर, और हार्ड कॉपी आपको जो बाई पोस्ट करनी है। लेकिन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आपको जो 2 तारीख से पहले पहले कर लेना है। तो नीचे आते हैं, इसका जो एग्ज़ाम भी होना है, इसका एग्ज़ाम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, 28 फरवरी 2023 को होगा। इसका रिजल्ट 3 मार्च को आएगा, इंटरव्यू 6 मार्च से चलेगा। मेडिकल एग्जाम इसका 16 से 28 मार्च को होगा, और जो ट्रेनिंग है वो 2 मई से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसकी भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूँ, ये देख सकते हो ऑफलाइन एप्लीकेशन का ये फॉर्म है, इसकी 2 कॉपी आपको प्रिंट निकालनी है, यहाँ पे आपको फोटो लगानी है, ट्रेड का यहाँ पे जिस ट्रेड के आप अप्लाई करें वो डालना है, नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ है, अपनी पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड नंबर, सिग्नेचर्स की 2 कॉपी निकालनी है। साथ ही साथ नीचे आप देखेंगे पार्ट 2 में एक चेकलिस्ट है, जिसमें आपको क्या क्या करना है। आपको अपने अप्रेंटिस का प्रोफाइल का प्रिंट निकालना है, आपको क्लास 10th की मार्कशीट है, सब जो डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड लिखा है सबकी फोटो कॉपी करनी है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। जैसे आधार कार्ड है और जो हॉल टिकट है इसकी जो ओरिजिनल 2 कॉपी आपको भेजनी है, और जो लिफाफा रहेगा उस पर 10 रुपये का पोस्टल स्टैम्प भी आपको लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की, यहाँ पे आप देख सकते हैं apprenticeshipindia.government.in खोलना है। बता दें आपको उसका लिंक वगैरह और डिटेल्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको sarkaririzult.com और rozgarrizult.com पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको लॉगिन करना है। अगर आपने पहले से कोई भी फॉर्म कर रखा है तो आपको सीधा जो लॉगिन करना है, तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद आपको मैं दिखा दूं, मैं डैशबोर्ड में जा सकता हूं। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहां पे आप देखेंगे आपको प्रोफाइल का बटन दिखाई देगा। ये देखिए प्रोफाइल का, प्रोफाइल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। उसको आपको अच्छे तरीके से रिव्यू करना है, चेक करना है। चेक करने के बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट निकालना है, और जो प्रिंट आउट यानी जो आप फॉर्म है हॉल टिकट है इसके साथ आपको जो इसको भेजना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और आपको फिर से मैं कहूँगा इसको आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आवेदन कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।